नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सूची के बारे में। साथ ही अगर बात करें बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से जानकारी दी गई मेरिट लिस्ट को लेकर, कम गुणांक छात्रों के लिए बड़ी अच्छी खबर भी है। दूसरी तरफ बात करें 69,000 के लिए आदेश भी जारी हो गया है जो कि वेतन को लेकर है। वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आप टेट सीटेट की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स जो कि स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी से। आज ही ज्वाइन करें, लिंक इसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जिसके अंदर आपको मिलेगा संपूर्ण रिवीजन सीटेट 2021 के लिए। 4 जनवरी से आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको अगर बात करें हिंदी, मैथमेटिक्स, CDP, SST, EBS, साथ ही इंग्लिश, संस्कृत और साइंस के सभी जो टीचर्स हैं वो मिल जाएंगे टॉप एजुकेटर्स। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके RGTET कोड का इस्तेमाल करें। साथ ही अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही जो क्विजेस है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट RGTET कोड के साथ। अनअकैडमी प्लस में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स, घर से बैठकर लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, साथ ही लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा PDF फॉर्मेट में। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर TET प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, सभी प्राइजेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। यूज़ करिए RGTET कोड, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर अंतर जनपदीय स्थानांतरण का जो मामला है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसके लिए यहाँ पे समय समय पे आप सभी के सामने जो चीज़ें हैं वो आपको देखने के लिए मिली है। मामला कोर्ट के अंदर भी गया और तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिली। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें यहाँ पर सूची को लेकर, तमाम अभ्यर्थी इसके बारे में कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि सर आज एक सूची जारी होने वाली थी, उसके बारे में क्या सूचना है। तो ऐसे में आप सभी को बताना चाहूँगा कि निदेशालय पर एक हाई लेवल की जो बैठक है वो लगातार जारी है, जिसके अंदर सूची जारी होने की कहीं ना कहीं संभावना बन रही है, चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन ऐसे में एक जानकारी ये भी निकली, सचिव के साथ में जब वार्ता हुई है तो ऐसे में बघेल सर की तरफ से बताया गया, उनका कहना है कि NIC पे लगातार जो काम है वो जारी, मतलब यहाँ पर बघेल जी की तरफ से जानकारी ये दी गई कि जो काम है वो NIC पे जारी है। लेकिन इससे स्पष्ट ये नहीं हो पाता कि सूची अभी आने वाली है, संभावना ऐसी है कि जल्द जारी हो जाएगी, लेकिन कितना समय और लगेगा इसके बारे में अधिकारियों के माध्यम से कोई स्पष्ट तरीके से जानकारी नहीं दी गई। लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट है कि NIC पे जो कार्य है वो जारी है, जल्द आप सभी को यहाँ से जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरी बात यहाँ पर यह भी देखने के लिए मिली है कि मैचुअल के बारे में उनकी जो लिस्ट है वो आज नहीं आएगी, उसमें उन्होंने बताया कि वो बाद में जारी की जाएगी। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि मैचुअल में कोई सीमा की गई है या फिर नहीं, तो उनका इस सवाल पर जवाब देने से इनकार कर दिया है। तो ऐसे में फिलहाल कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन ऐसे में सूची को लेकर NIC पे लगातार जो कार्य है वो जारी है। जैसे ही वहाँ कोई अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर, जैसा कि आप सभी को बताया कि लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम अभ्यर्थी अपनी मांगे रखते रहते हैं। लेकिन ऐसे में जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिया करें, साथ में शेयर भी कर दिया करें। दूसरी तरफ आप सभी ने देखा कि थर्ड काउंसलिंग का लगातार जो इंतजार है वो किया जा रहा है, विद्यालय आवंटन का भी इंतजार है, बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिले स्थानांतरण, और ऐसे में तमाम चीज़ें आप सभी के सामने आ रही हैं। उसी क्रम में लगातार थर्ड काउंसलिंग का जो मुद्दा है वो पूरे तरीके से शासन प्रशासन के सामने आ चुका है, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के सामने लगातार थर्ड काउंसलिंग के जो जवाब है वो दिए भी जा रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं वो सभी कम गुणांक वाले अभ्यर्थी जो आगामी समय के तो कुछ मेरिट में यहां से बाहर निकल गए थे, अब उनको यहां नौकरी मिलने की संभावना प्रबल होती जा रही है। मतलब मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा 69,000 की बची हुई सीटों पर आए दिन अभ्यर्थियों के माध्यम से तमाम जगहों पर ज्ञापन सौंपे जाते हैं, मंत्री, सांसद, विधायक जिनके पास वो जा सकते हैं वहाँ पर जाने का जो प्रयास है वो किया जाता है, चाहे वो 1133 सीटों के लिए हो या फिर संशोधन के वाले में हो या फिर थर्ड काउंसलिंग करवाने के लिए दिव्यांग अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, संशोधन वाले दे रहे हैं, और तमाम जगहों से कहने की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। उसी क्रम में कल 1133 सीटों का मामला था, आज आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिला है कि बची हुई सीटों पर चाहे वो 31,000
36,000 की हो, 36,590 की हो, उनका जो ज्ञापन है वो सौंपा गया था, उसी क्रम में तमाम अभ्यर्थियों ने ज्ञापन पहले सौंपा था, आज नहीं सौंपा है। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, मंत्री जी के सामने कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो ज्ञापन है वो भेज दिया गया है, जहाँ पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जानकारी दी गई है कि 69,000 की बची हुई सीटों पर आगामी समय के अंदर थर्ड काउंसलिंग यहाँ पर करवाई जाए, जिससे कि जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र मिल पाए, उसी क्रम में यहाँ पर जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है। तो लगातार थर्ड काउंसलिंग का मुद्दा शासन प्रशासन के सामने आ रहा है। दूसरी तरफ मंत्री जी की तरफ से भी यहाँ पर जो जानकारी है वो दी गई है कि आगामी समय के अंदर जो भी थर्ड काउंसलिंग में अभ्यर्थी रह गए, जितनी भी सीटें बचेंगी, सरकार की तरफ से जैसे ही डाटा क्लियर होता है थर्ड काउंसलिंग यहाँ पर शुरू करवा दी जाएगी। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब तक विद्यालय आवंटन नहीं हो जाते तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। कल परसों भी मंत्री जी की तरफ से सेम जानकारी दी गई थी। मतलब यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि आगामी समय के अंदर थर्ड काउंसलिंग अब किसी प्रकार से कैसे भी रुकने वाली नहीं है, 100% होगी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, बस आप लोगों की जो मेहनत है वो आज काम आ रही है। लगातार आपके जो ज्ञापन है वो शासन प्रशासन के पास पहुँच चुके हैं, अब इंतजार करना है सीटों की संख्या के बारे में जो कि मांगी गई है। जैसे ही कोई आधिकारिक सूचना मिलती है आप सभी को बता दिया जाएगा। आज सचिव से मुलाकात भी की गई, जैसा कि मैंने आपको बताया स्थानांतरण को लेकर, लेकिन ऐसे में कोई भी जानकारी 69,000 के बारे में फिलहाल नहीं दी गई, क्योंकि विभाग फिलहाल बिजी है स्थानांतरण के मुद्दे को लेकर। तो ऐसे में ये तो बात हो जाती थर्ड काउंसलिंग वाली, जो अभ्यर्थी बार बार परेशान है थोड़ा सा और इंतजार करिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में गया 22,000 सीटों का मुद्दा, वहां से कोई अपडेट निकलेगी तो आपको बता दी जाएगी। दूसरी तरफ विद्यालय आवंटन वाले अभ्यर्थी लगातार इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में जैसी जानकारी दी है कि 22 जनवरी से पहले आपका विद्यालय आवंटन हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यहां पर देखने के लिए मिल रही है वेतन को लेकर, जो कि 69,000 शिक्षकों के लिए है। जैसा कि हमने कई जगहों से देखा है, कानपुर नगर के अंदर 100 अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो वेतन है मिल चुका है। इसके अलावा अगर बात करें बस्ती के अंदर और भी कई जगहों पे जो वेतन का कार्यक्रम है शुरू हो चुका। हाल ही में जौनपुर के BSA के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि जल्द आप सभी का जो वेतन है यहाँ से निकलवाया जाएगा। उसी क्रम में जानकारी यहाँ पे है कि 29 दिसंबर 2020 का नोटिफिकेशन है महाराजगंज का, जिसके अंदर जानकारी आ जाती है कि इन सभी अभ्यर्थियों के शैक्षिक परीक्षण योग्यता संबंधी अंक पत्र प्रमाण पत्रों की सत्यापन की जो आख्या है वो में उपलब्ध है, तथा उनका स्वास्थ्य परीक्षण गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा करते हुए स्वास्थ्य परीक्षण की आख्या कार्यालय से प्राप्त कराई गई है, और इस सूची के पत्र के संकलन के हुए दिसंबर माह 2020 इनके वेतन का भुगतान नियम अनुसार प्रारंभ किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। मतलब यह है कि यहाँ पर जो सूची है वो जारी हो गई है, जिनका यहाँ पर जो वेतन है वो देखने के लिए मिला है। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा सूची के माध्यम। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने आदेश था, आदेश के साथ ही सूची आ जाती वेतन को लेकर, जिसके अंदर अभ्यर्थी के जो नाम है वो दिए गए। लगभग 48-49 अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पे जो वेतन है वो रिलीज किया जा चुका है। खासकर सभी जिलों के अंदर पहले शिक्षा मित्रों का वेतन दिया जाए, जैसा कि आप सभी को पता है इनका पहले से सब कुछ चेक था, तो इनका सत्यापन कराने की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मामले दूसरे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अभी नए शिक्षक बने हैं उनके प्रोसेस में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है, तो ऐसे में 31,000 के सभी अभ्यर्थी को आगामी जनवरी के अंदर वेतन मिलने की प्रबल संभावना भी है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 37,000 के अभ्यर्थियों को भी जल्द यहां से चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि उनका यहां पर सिर्फ विद्यालय आवंटन होने का इंतजार है, जो कि 22 जनवरी के बाद में कभी भी हो सकता है। उसके बाद में आप सभी का वेतन साथ ही थर्ड काउंसलिंग को लेकर भी यहाँ से जो खुशखबरी है वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऐसे में ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।